हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। हमारे गांव में कुछ नॉन पहाड़ी मेहमान आए हुए हैं। हालांकि हैं तो नॉन पहाड़ी, लेकिन हैं वो हमारे रिश्ते में ही। अभी वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उनको 3 दिन हो गए यहां पे। हमें समय नहीं मिला उनके साथ बैठने का, रिकॉर्डिंग करने का। अभी वो बस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे ढोंडियाल जी हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनकी अपनी गाड़ी है, तो ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं दिल्ली से और गढ़वाल के लिए। और ये जो हमारे मेहमान हैं, ये उनका सामान है, अभी फ़िलहाल तो पैक हो रहा सामान, आज उनकी जाने की तैयारी है। और ये लोग सतीश के घर ही आए हुए थे। सतीश, थोड़ा ये जो मेहमान है इनका परिचय दो आप। एक्चुअली मेरी भांजी है दीक्षा पोखरियाल। अच्छा। बीना दीदी हमारी बड़ी मौसी की लड़की है, तो दीक्षा के सास ससुर हैं और एक उनकी सिस्टर है, उनके ससुर की सिस्टर है, तो वो नॉन गढ़वाली हैं बेसिकली। सास उसकी महाराष्ट्र से है। उनके मन में थी कि एक बार उत्तराखंड घूमना है, देखना कैसा उत्तराखंड। 3-4 दिन देखा कि आ रहे सिस्टर के यहाँ, परसों ही आ गए थे, अब जा रहे हैं। ओके, तो बाकी पहुँचने वाले हैं। चलो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना। वो बड़े अच्छी पोस्ट से रिटायर, अंडर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है कि शेरो शायरी करते हैं। हम थोड़ा समय नहीं मिला। ढोंडियाल जी, दिल्ली के क्या हाल है, कितनी गर्मी है दिल्ली में? कुछ राहत है यहाँ? तो बहुत राहत है। नहीं, वहाँ दिल्ली में? दिल्ली में वहाँ पहले के मुकाबले अब थोड़ा कम है। बारिश हुई क्या? ना कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ का असर पड़ रहा है? यहाँ का असर पड़ रहा है, जो बारिश होती है वहाँ ठंडी हवा है। यहाँ तो आग लगी पड़ी है जंगलों में चारों तरफ, आप देख ही रहे हैं। थोड़ा मेहमान ओल्ड एज है, इसलिए थोड़ा फिजिकली परेशानी भी है दीदी को। ये हमारी दीदी है, अब दीदी नाम तो मैं भूल गया भाई, बीना दीदी, अब याद आएगा। ये हमारी दीदी है बीना दीदी। खैर, ये तो हमारे थपलियाल जी हैं, गिरीश थपलियाल जी। और हमारे जीजा श्री हैं, जीजा श्री को तो हम खैर बचपन से जानते हैं। अभी गेस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, आइए ऊपर चढ़िए, उसके बाद फिर बाप से बात करते हैं। ये हैं जी हमारे गांव में आए हुए मेहमान, हालांकि अब तो ये हमारे पहाड़ियों के रिश्तेदार बन चुके हैं। जीजा जी हैं, दीदी हैं, और ये दीदी और जीजा जी के समधी हैं, और ये समधन जी हैं, और ये समधन जी की बहन है। ये लोग परसों आए थे, और ये तो आप जाने पहचाने चेहरे हैं। और सतीश के घर आए हुए थे, हालांकि ये परसों आ गए थे, और हमें समय नहीं मिला क्योंकि कल हमारा पौड़ी में काफ़ी दिन खर्च हो गया। और आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, फिर कभी दिल्ली में मिलूँगा आपसे। मुझे सतीश ने और जिया जी ने बताया कि आप काफ़ी शेर व शायरी लिखते भी हैं, और मैं भी एक कलाकार हूँ, मुझे भी शेर व शायरी बहुत पसंद है। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको अब एक हफ्ते से आप साहिब गढ़वाल भ्रमण पे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको उत्तराखंड आने में? एक दो बातें जो मुझे जिनकी उम्मीद नहीं थी। एक तो ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और कुछ हालात हैं जो यहाँ के, अब उन्हें मैं राजनीतिक कहूँ, सामाजिक कहूँ, या क्या कहूँ, जो यहाँ खेती का नुकसान हुआ है, ये दो चीज़ें थोड़ी सी दुखदाई लगी हैं। और जो मैं यहाँ से एक ले कर जा रहा हूँ वो है द वार्म्थ, द कॉबरेडरी, हॉस्पिटैलिटी, और जाने क्या क्या, जो यहाँ एक द इनडेलिबल नॉस्टैल्जिया आई एम कैरिंग विद यू। और मैं यहाँ के लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ, और वैसे तो मेरे रिश्तेदार हैं, सारा भारत हमारा रिश्तेदार है, लेकिन ये विशेष रूप से ये इलाका। मैं शुभकामनाएँ दूँगा और यहाँ के यूथ को एक बात बोलूँगा कि यहाँ के हालात को सुधारने में सब लोग जुटें। ये बात सही है कि रोज़गार के अवसर बाहर ही ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी उनकी अपनी जिम्मेदारी है जिसे वो निभाएं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह से उत्तराखंड देवभूमि उसी तरह से बनी रहे, और यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों का। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे उत्तराखंड में आए, और मैं आपको पुनः निमंत्रण दूंगा कि जब भी आपको समय मिले आप जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ साइड है, क्योंकि वो इलाका, वो एरिया हमारे
पौड़ी गढ़वाल से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नहीं मैं आपको शायद मालूम नहीं है, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो इलाका तो मेरे याददाश्त में ऐसे है जैसे मेरे साथ ही जाएगा। जी, जी। मैंने वो समय देखा है जब मैं रुद्रप्रयाग से अपने पिताजी के साथ पैदल केदारनाथ तक गया। अच्छा, रुद्रप्रयाग से जगह में हनुमान चट्टी फाटा चट्टी, यानी मैं उस समय खुद ही करीब 6 और 7 कोई 12-13 साल का रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे वो वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और वो चट्टियाँ जहाँ नीचे लोगों की छोटी छोटी दुकानें, ऊपर रहने की जगह और इतना सादा इतनी सादगी, इतना प्रेम, यानी केदारनाथ का रास्ता तो मुझे अभी भी ऐसे मेरी आंखों के सामने है। आज से यानी 1967 उस समय तब से लेकर अब तक वैसे ही अब तक मेरी याददाश्त में है। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपने समधी समधन को अपना गांव तो नहीं दिखाया लेकिन हमारा गांव और रेखा का गांव दिखा दिया है ना। दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बोलना चाहती हैं अपने? बिल्कुल, मैं बोलना मेहमान नवाजी में सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर सबसे पहले शिमला में 22-25 साल पहले आई थी। फिर उसके बाद हमारे मौसा जी की सप्ताह था उनका, तो तब भी हम आए थे 11-12 साल पहले। अब मैं इतने समय के बाद आई हूँ, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, हमारे भाई लोग, बच्चे लोग, चाचा जी, हम तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे समधी जी, समधन जी ये कई दिन से कह रहे थे कि अपना उत्तराखंड तो दिखाओ, तो भाई तुमने कहा ना कि अपने गांव नहीं ले गए, हमारे अड्डे ही यही है, मेन अड्डा यही है। मैंने जिंदगी में सबसे पहले उत्तराखंड मेरे बच्चों ने और मैंने यही देखा था। ये सतीश, गिरीश, ये सब लोग ये इस चीज के गवाह हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें इतना अच्छा लगा। तो मैं तो सभी का धन्यवाद करती हूँ, इन सभी बच्चों का। हमें पता ही नहीं चला हमारा सामान कैसे फटाफट उठा के भागे हैं ये, और जैसा इन लोगों ने हमें दिल से प्यार दिया है, तो मैं तो कहूंगी कि ये प्यार हमेशा बनाए रखे ताकि हम बार बार आए इसको ग्रहण कर। और मैं अपने समधी जी का, समधन जी का, छोटी समधन जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे उत्तराखंड को चुना कि नहीं जी ले जाओ, और इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बस आपसे यही निवेदन है, जब भी हम आए हमारा सामान जरूर उठाएं, वरना हम आ ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, यही प्यार, यही आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद, नमस्कार आपको। थैंक यू जी, थैंक यू आप दोनों को। आप पहली बार उत्तराखंड आई है? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा आपको मेहमान नवाजी हमारे? बहुत खूबसूरत उत्तराखंड, और मेहमान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, वाजी बहुत बढ़िया है, भगवान ऐसे ही सबको बनाए रखे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आप है समधन जी, हमारे दीदी के समधन जी है, मेहनत में इनके बोलना, हमने क्या बोलना है? अच्छा, हमारी भी समधन जी है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा उत्तराखंड? आपके हस्बैंड तो खैर कह रहे अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं, जब वो बद्रीनाथ गए थे, बहुत अच्छा लगा। आप भी पहली बार विजिट कर रही है गढ़वाल? उत्तराखंड देहरादून तक तो आई हूँ, देहरादून मसूरी तो देखा है। अच्छा अच्छा। लेकिन इस तरफ पहली बार आई, विलेज गांव का जो वातावरण है वो पहली बार महसूस किया और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मौसी के घर में ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ के यहाँ आई हूँ, तो मुझे बहुत अपनापन लगा। सब बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और दोबारा आने की ज़रूर ख्वाहिश है, और आऊँगी अगर सब ठीक ठाक रहा तो। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी सतीश और गिरीश ने। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, सभी ने, सभी ने। चलो बच्चे बच्चे हाँ, और भी हमारे सौभाग्य वाले के हमारे गुंडा कोई सेकंड जवाब न दे जाए। चलो आप, घुटनों की समस्या तो सबकी है, मेरी माताजी की भी है, बहुत बुजुर्ग आदमी जो है हो ही जाता है, भगवान ना करे हमारी भी ये समस्या हो, है ना, वो कॉमन हो गया आज की डेट में। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो मैं आपको ग्रैंड वेलकम करता हूँ अपने गांव में, हालांकि ग्रैंड वेलकम तो परसों करना चाहिए था, अब तो खैर आप ग्रैंड विदाई कर सकता है, ग्रैंड विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विजिट अगेन। और आप लोगों को हिमालयन जो कि सुभाष कुकरेजी की तरफ से शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। और आप लोग भी जरूर आए, सब लोग दिल्ली, जब भी दिल्ली आए तो हमारे। चलो जी, अब ये लोग हमारे गांव से विदाई ले रहे हैं,
हम लोग तो इन मेहमानों को सी ऑफ करने आए हैं, क्योंकि आज ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब दिल्ली की जो भयंकर गर्मी है, पहाड़ों में मौसम बहुत सुंदर है, लेकिन अब ये पहाड़ों के सुंदर मौसम से दिल्ली की गर्मी में एंट्री करेंगे। कल मुझे भी जाना है, रहते हम द्वारका, द्वारका रहते हैं। हाँ। आऊंगा मैं, आऊंगा बिल्कुल। हाँ मैं पाकि, हाँ आएंगे तो दीदी के साथ या जीजी के साथ ही आएंगे। आप अकेले भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर, आएंगे हमारे साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सतीश से ले लूंगा आपका फेसबुक आईडी। हाँ आपका, मेरा शुभ कुकरेती जोगी के नाम से है, वो तो वैसे मिल जाएगा। मैं हाँ वो तो वैसे मिल जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जी 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 जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह आपने देखा जगह जगह आग लग रही है, पेड़ जल गए, जब पेड़ जलेंगे तो ठंडा कहाँ से होगा। पानी की बहुत, पहले हमारे गांव में कभी कमी नहीं थी पानी की, दीदी तो बचपन में आई होंगी आप, पानी की कभी हमें कमी नहीं हुई, लेकिन अब हम गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि जो स्रोत का पानी वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। आने वाले टाइम में तो बहुत बुरा हाल होने वाली है। आगे हमारे जो ध्यान रखी है जो पिन्नी, अब वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके जय जी, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और कोई शिकायत रहेगी हो तो हमारे मेहमानों से मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके बाय 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 बाय। ओके डोंडाल जी बाय। बाय 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 बाय। चलो जी तुम एक मिचा रहे खड़ा, तुम कब जान रहे वाल। यार ये देखो ओल का अभी बेबी बच्चा, ये शायद कहीं ऊपर पीपल का पेड़ है, ये कहीं घोंसले से गिरा हुआ है, कहीं तो गिरा है यार, ऊपर ऊपर घोंसले से गिरा है देखो। और ये वाकई में बहुत बहुत महंगा बिकता है, डोनो भी नहीं देख ये बच्चा। चलो अब यह पालेगा कौन इसको, ये तो मर जाएगा यार। अरे इनको बुला लो चिंटू मिंटू। मिंटू